मेरे ब्लॉग में सभी का वेलकम है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हम सब अच्छे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से बेबी से मिलने के लिए। तो आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा, तो मतलब कल हमारे घर इनवाइट आया हुआ था किसी का, तो मैं गई हुई थी अपने मायके, तो मैं जा नहीं पाई। तो मम्मी ने कहा आज हम लोग चलेंगे। तो छोटा सा बेबी है और मेरे घर वालों को तो पता है, मुझे नहीं पता आप लोग में से किसी को पता है नहीं पता, बट मुझे छोटे बच्चे इतने पसंद है। जब ध्यान मेरे पेट में था तो तब मैं सोचती थी यार किसी के घर बेबी तो लेकर के आज मैं खिलाऊंगी ये वो, मतलब तो मतलब इतना लगाव है मुझे छोटे बेबी से। तो आज हम जा रहे हैं छोटे से क्यूट से बेबी को देखने के लिए। तो देखते हैं कि उनके जिनके घर हम जा रहे हैं वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। वैसे जो वो मनोज है मेरे देवर का दोस्त है और उनके यहाँ पे बेबी है, तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब उनके घर का मुझे नहीं पता है, तो चल के पता चलेगा। तो फिर आप हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के ब्लॉग को। तो मैंने यही सोचा कि मतलब कि हम लोग क्यों ना मैं ब्लॉग बनाया जाए इस चीज़ पे। तो फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कुछ भी बोल देते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम करते हैं शुरू अपने वीडियो को। तो धूप देखो यार कितनी हो रही है, कल तो बहुत अच्छा मौसम था बारिश का। ओह माय गॉड, चलो फिर मैं जा रही हूँ गाड़ी में। और कौन कौन जा रहा है? मम्मी, मैं, मीना और दिया। तो हमने गाड़ी खड़ी करी है यहाँ, और जो घर है वो है इस गली से जा कर के। तो गली जो है वो छोटी है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पार्क करके हम लोग जा रहे हैं। तो हम आए हैं बेबी के पास, और ये देखो बेबी अपनी मामा के गोद में, मम्मी है उसकी, बहुत क्यूट है छोटा सा। गोद में लेकर तरवाले, गोद में लेकर तरवाले, दे दो प्यार। थैंक यू। अच्छा तो ये हैं बुआ जी जो आए हैं जापे में बेबी के लिए, और आज भी आज जाओगे ना घर? कल हाँ, तो कल सुबह ये चले जाएंगे। और ये आंटी जी हैं, ठीक है, चलो फिर मम्मी बाकी आ जाओ। अच्छा बेटी बड़ा ध्यान रखी, कई रक्षा पक्षा भी खड़ी थी रोड पर, हम चले जाएंगे आंटी, कोई बात नहीं छोड़ जाएंगे। चलो तो आंटी जी हमें जा रही हैं छोड़ने के लिए गाड़ी तक, ठीक है बाय। तो बेबी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट था वो, छोटा सा था। ध्यान बोरा देखो, ध्यान बैठ गया गाड़ी में, चला ली। तो ध्यान आ गया था पहली गाड़ी में, और मम्मी बाय कर रही है। आंटी लोग बहुत अच्छे हैं, ये चलेगी, अब मेरे लिए तुम चलेगी, सासु बहू का
कनक पौंद सीधी मतलब हजारता गए अरे आनंद का नहीं आओगी ना आनंद का आओगी ना आनंद का तो विदा करेंगे उड़े तो करेंगे अरे उड़े बुलाओगे बस सबका उड़े तो विदा करके कर लेंगे हम भी उधर ही रहेंगे हम और हाँ ना ठीक से ठीक है आंटी बाय बाय कर दे ध्यान बाय कर दे ध्यान बाय कर दे बाय कर दे बाय कर दे हाँ जी हाँ जी बाहर रोड पे आ गए हैं बहुत ज़्यादा दूर घर नहीं था और ये हम लोग आ गए हैं ये अड्डे की तरफ और जहाँ पे जो है सामने यूवी और मेरा जिम भी है तो जिम जो है वो है लेफ्ट साइड हाँ हमें तो सीधा जाना है तो जिम वो रहा लेफ्ट में तो घर आ गया बेबी से मिल करके हम लोग आ गए हैं और मतलब बहुत अच्छा लगा मतलब इतने टाइम बाद छोटे से बेबी को गोद में लेना जैसे ध्यान आया था घर में पैदा होकर के बहुत क्यूट सा था वैसे ही उनका बेबी भी बहुत क्यूट था तो अभी उसका फ़िलहाल नाम जो है नहीं रखा है तो अभी वो 27 डेज़ का ही है तो मतलब बहुत अच्छा लगा जो फैमिली उनसे मिल करके आंटी जी से बुआ जी से और जो दिनेश की वाइफ है उनसे और बेबी से सबसे ज़्यादा तो बहुत अच्छा लगा उन लोग से मिलकर और मतलब मैं ऐसे शायद फर्स्ट टाइम हूँ जो गांव में किसी के घर गई मम्मी के साथ तो मतलब अच्छा लगा बस बहुत सबके साथ अपनापन आ रहा था अपनी जैसी फीलिंग आ रही थी और जाना तो मुझे कल था बट कल मैंने पता था कि मैं लेट होगी थी घर गई थी इस वजह से नहीं जा सकी कल फंक्शन था उनका तो कोई नहीं आज होकर के आगे पर बहुत अच्छा लगा मिल करके और बेबी सच में बहुत क्यूट है बहुत ही ज़्यादा तो जब मैं उसको गोद में ले रही थी ना तो दिव्यान इतना जेलस फील कर रहा था कि मुझे गोद में लो मुझे गोद में लो मतलब रो रो के लिटरली कि मुझे गोद में लाओ था मतलब फिर उसको थोड़ी देर खिला करके मैंने उनको दे दिया फिर हमने ध्यान को दे दिया था तो फिर खुश हो गया वो और बेबी उदे कैसे करो सिर्फ उसे झपट्टा मार देगा मतलब उसे पकड़ लेगा उसको मतलब ऐसा उसको हो रहा था रो रहा था वो बेबी के लिए कि मुझे दो ऐसे करके तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगा नेक्स्ट टाइम भी कभी फिर जाऊँगी जब भी टाइम होगा और आप लोग को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मैं बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना सकी वो इसलिए क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मतलब ऐसे ब्लॉग बनाने में तो मम्मी ने फोर्स करके नहीं नहीं कोई बात नहीं सब कह रहे थे कोई बात नहीं पर फिर भी मुझे शर्म आ रही थी पता नहीं क्यों पर फिर भी जितना भी मुझसे हो पाया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैप्चर करा और फिर सबके साथ बैठ के बातें भी बहुत सारी करी और टाइम स्पेंड अच्छे से करा तो यही था आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा था तो उसके लिए सॉरी तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में टेक केयर